तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 59 चाइनीज ऐप हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है। हमारे गवर्नमेंट इंडिया ने उसको बैन कर दिया है। इसमें टिकटॉक भी शामिल है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैं सब कुछ बताया था 59 एप्लीकेशन कौन सी वो सब कुछ मैं बताया था। लेकिन आप सबका मुझे बहुत सारा कमेंट आया कि अगर बैन तो हो चुका है लेकिन जिनके भी मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल है तो वो यूज कर पाएंगा या नहीं, इस तरह से मुझे बहुत सारे कमेंट मिला है। तो इस वीडियो में आपको सभी कवर करने वाला हूँ, सभी तरह की अभी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टिकटॉक को बैन करने के बाद, मतलब 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, उनमें से जो टिकटॉक है वो प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, यानी कि वहां से हटा दिया है, मतलब वहां पर भी बैन कर दिया है। अब कोई भी उसको डाउनलोड तो नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि जिनके मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल है या उनके स्टोरेज के अंदर या फाइल के अंदर है और वो इंस्टॉल करके यूज करने की कोशिश करता है तो क्या होगा, मतलब वो ओपन होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ओपन तो होगा लेकिन वो यूज नहीं कर पाएगा, यानी कि वहां सभी पेज पे एक ही ऑप्शन होगा, नो नेटवर्क कनेक्शन। अगर कोई भी बंदा इसको ओपन करता है टिकटॉक ऐप, अगर उनके मोबाइल में इंस्टॉल है और वो ओपन करने की कोशिश करेगा तो वही लिख के आएगा नो नेटवर्क कनेक्शन। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो टिकटॉक ऐप है वो इंटरनेट से चलता है, मतलब अगर आपके मोबाइल में डेटा है, इंटरनेट कनेक्शन है तो ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इंडिया का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो यहाँ पे इस ऐप से ब्लॉक कर दिया गया है, मतलब इस ऐप के अंदर हमारा इंडिया का जो इंटरनेट है वो यूज नहीं होगा। इससे क्या होगा, जिनके भी मोबाइल में टिकटॉक ऐप है तो वो यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट कनेक्शन है वो टिकटॉक ऐप से ब्लॉक कर दिया है। तो इसी तरह अब सभी के मोबाइल में यही शो होगा, अगर उनके मोबाइल में इंस्टॉल है टिकटॉक ऐप और वो ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो ओपन नहीं होगा, इस तरह से यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी तरह यहाँ पे इंडिया में उसको बैन कर दिया है, यानी कि उसको कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन यूज ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और भी कोई डाउट या है दोस्तों तो आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा और इसके ऊपर हो सके तो मैं वीडियो भी बना लूंगा। तो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो में कोई सवाल सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर मैं बता दूंगा और आप हमारे चैनल पर नहीं तो मेरे को सब्सक्राइब करना, हर आने वाली वीडियो को जानने को मिल सके। तो बस फ्रेंड मिलते।